I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it, then my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust. Assalamualaikum, welcome back to a new video. Hope you guys are great. मेरा नाम सादर, आप देख रहे हैं जियो फैक्ट्स। आज मैं मौजूद हूँ एक्वा जोन में और ये कॉलेज रोड पर शॉप मौजूद है। तो आज हम इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसकी एसेसरीज की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बाकी सारी बातें करते हैं। जी, तो मेरे साथ इस वक्त भाई मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई जान, आपकी शॉप का नाम? सर एक्वाजोन। एक्वाजोन, और आप किस किस चीज़ में डील करते हैं? सर हम लोग सर फिशेज के रिलेटेड आपसे डील करेंगे। और फिशेज के अलावा एक्सेसरीज और जो भी चीज़ें इनकी, वो भी आप मिलेंगे? वो हमसे सब कुछ हमसे मिलेगा आपको। ठीक हो गया, यहाँ तक कि उनके पम्प्स वगैरह सब कुछ हमसे मिलेगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, सबसे पहले आप हमें कौन सी फिश दिखाएंगे? सर हम आपको टॉपिकल में पहले सबसे पहले गप्पी फिश, ठीक है, लोगों के डिमांड में ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद रेड प्लेटी होती है, ये भी काफ़ी नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, काफ़ी डिमांड में आती है। अच्छा, इसके आपने नाम क्या बताए थे? बटरफ्लाई गप्पी, ठीक है, रेड प्लेटी। बटरफ्लाई गप्पी और रेड प्लेटी। अच्छा, इसकी प्राइस क्या होगी? सर जो गप्पी फिश है इसका आपको 250 का पेयर मिलेगा, ठीक है, ठीक है, और जो प्लेटी है वो आपको 300 का पेयर मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छी, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो यार सर, आप हमें कौन सी फिश दिखाएंगे आप? ये अब आपको हम मौली फिश दिखा रहे हैं। इसमें तीन तरह की वैरायटीज़ हैं, ठीक है, इसमें ये वाली जो है वाइट और ब्लैक जो है इसको मार्बल मौली कहते हैं, इसको बैलून मौली कहते हैं, ठीक है, इसको ये वाली जो ब्लैक है इसको मून टेल मौली कहते हैं। मून टेल मौली, जी जी सर। और इनकी प्राइसेस क्या है? सर इसमें आपको कम से कम भी 350 का पेयर मिलेगा, ठीक है, उसके अलावा 450 का पेयर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो फिशेज हैं ये आती किस जगह से हैं? सर ये बेसिकली थाईलैंड सिंगापुर से आती हैं, यहाँ की ब्रीड नहीं है। यहाँ आप वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं? जी सर, ये वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत एक फिशेज लग रही है, ये कौन सी है? सर इसमें ये फ्लोरोसेंट टेट्रा है, इसको बेसिकली कलर टेट्रा भी कह सकते हैं, इसका नाम वैसे तो इसको टेट्रा फिश कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये छोटी वाली, इसको ज़ेब्रा डैनियल कहते हैं, इसमें भी कलर डिफरेंट है, पिंक, रेड, ग्रीन, इस तरह डिफरेंट कलर है। जैसा कि माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर हैं, तो हम बगैर देर के हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी फिश? सर इसमें ये तीन तरह की स्पीशी पड़ी हुई है। इसमें ये वाली ऑरेंज वाली जो लंबी वाली है इसको शबंकिन कहते हैं, है। ये राउंड वाली जो है ये गोल्ड फिश है, और इसमें ये वाला जो ब्लैक वाला है इसको ब्लैक मोर कहते हैं। हो गया, माशाल्लाह मैं फर्स्ट टाइम स्पीशी देख रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम शॉप पर आया हूँ। अच्छा जी, अब हम जिस तरह आगे चलते हैं तो ये हम देखते हैं यार ये कौन सी। सर ये शार्क फैमिली से हैं, ठीक है, इसमें भी दो तीन तरह की वैरायटी पड़ी हुई है। ये ब्लू लाइन शार्क कहलाती है, ठीक है, ये इसमें सिल्वर शार्क है, ये वाइट वाली जो है ये वाइट डायमंड कोई में आ जाती है, ठीक है, और जो इसमें ये वाली है ये सांबा शार्क है, ये अरवाना फिश है, ये काफ़ी यूनिक है, लोग इसको काफ़ी लाइक करते हैं और इसकी डिमांड भी अच्छी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये शार्क फैमिली से हैं, तो क्या ये गोश्त वगैरह खाती हैं? सर इसमें शार्क गोश्तखोर भी होती हैं, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना ये अरवाना, ये मीट फैमिली से हैं। अभी जो ये वाली शार्क है ये वेजिटेरियन फैमिली से, मतलब ये सबके साथ रहने वाली मछली है। तो भाई ये वाली बताएं जरा। सर ये वाला इसमें एंजल फिश है, ठीक है, इसमें जो छोटे वाला पेयर है वो आपको इसमें 700 का पड़ेगा, बड़े वाला जो है वो आपको 1600 का पड़ेगा। 1600 का पड़ेगा। और ये एंजल फिश है, इसमें भी ये सबके साथ रहने वाली है, ये एक फैमिली रहने वाली मछली है। ठीक हो गया। हाँ, अच्छा इसके अलावा ये बड़ी खूबसूरत ब्लैक कलर की फिश है, ये कौन सी है? ये वाली सर जो है ये गोल्ड फिश लॉयनेट कहलाती है, जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी इनके हेड जो है वो अम्ब्रेला टाइप बनते जाएंगे। ओके जी, तो जैसा कि भी आप लोगों ने देखा कि मैं भाई से इनकी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ फिशेज वगैरह की, तो इनसे पूछते हैं कि क्या इनमें बीमारियाँ वगैरह भी होती हैं, और अगर इनमें बीमारियाँ होती हैं तो वो क्या होती हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, तो हम फिशेज तो अपने व्यूअर्स को दिखाते रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद है कि अगर हम ये फिशेज रखते हैं तो इनमें क्या बीमारियाँ भी आती हैं? जी सर बिल्कुल, इनमें बीमारियां भी आती हैं, पर वो हर तरह की हर बीमारी अलग-अलग, कभी मछली बीमार होगी सुस्त होकर नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, उसकी भी मेडिसिन है, ठीक है, मछली के पर फट रहे हो या उसके पास गल रहे हो, सब तरह की मतलब आपको मेडिसिन मिल सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। सबसे जो कॉमन बीमारी है इनमें वो कौन सी है? कॉमन बीमारी बास का ये होता है कि कस्टमर जब फिश लेके जाता है उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो घर में बच्चे भी होते हैं, खुद भी होते हैं, वो जो आता है वो डाइट डाल देता है, उसकी वजह से मछली जल्दी बीमार हो जाती है।
ठीक है, मींस के हर अब हर एक बंदा इनको जो भी लेकर जा रहा है वो खाना डाले, हर बंदा अपना अपना खाना ना डाले। जी बिल्कुल, इसी तरह एक बंदा ही रखे फूड, जो मर्जी डाले पर एक ही रहे, क्योंकि एक हाथ चलेगा तो वो मछली सेट रहेगी। अगर हाथ बदल बदल के डालेगा, कभी कम हो जाएगी कभी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से वो ज़ाहरी बात है मछली जो है वो मरेगी। अच्छा, उसके अलावा आपके पास एसेसरीज कौन कौन सी होती हैं? इसके अलावा हमारे पास एसेसरीज में वाटर पंप होते हैं, एयर पंप होते हैं, फिल्टर वगैरह होते हैं जो पानी को क्लीन भी करते हैं और पानी के अंदर ऑक्सीजन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि आपके सेट में सबसे यूनिक फिश कौन सी है? हमारे सेट में फ़िलहाल तो सभी यूनिक है, पर कस्टमर की हर डिमांड अपनी अपनी अलग है। किसी को ट्रॉपिकल में चाहिए, किसी को मतलब डिफरेंट साइज में चाहिए जो बड़ी हों, कोई कहते हैं कि रेड कैप जैसे वो काफ़ी यूनिक मछली है, उसका जो है बॉडी वाइट होगी, उसका जो हेड है वो रेड होता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो अम्ब्रेला टाइप बन जाता है, उसकी ज़्यादा डिमांड है। बेसिकली जो यूनिक फिश जिसको आप बोल रहे हैं ना, ये वो रेड कैप है। ये देखें, इसकी बॉडी वाइट है, उसका जो हेड है ना वो रेड है, ये रेड कैप कहलाती है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये फिश कौन सी? ये फिश जो है ये ऑस्कर फिश है, ये बेसिकली मीट फैमिली से बिलोंग करती है। ये आप समझ लें कि गोल्ड फिश के साथ नहीं रह सकती, जिस तरह आप गोल्ड फिश या एंजल वगैरह आपको जो पीछे दिखाई है ना मछलियाँ, ये उनके साथ नहीं रहने वाली, इसकी जो स्पीशी है वो अलग है। तो आप इनको फूड में क्या डालते हैं? फूड तो सबका एक होता है, ये नहीं होता कि गोश्तखोर को अलग फूड दिया जाए, सब्जी खोर को अलग दिया जाए, खुराक तो जो है वो आप सबको एक जैसी भी डाल सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इसकी प्राइस क्या है? ऑस्कर की प्राइस जो है ये वाला आपको 1800 का पेयर मिलेगा। ठीक हो गया। ओके जी, तो अभी मैंने सेटअप में काफ़ी बड़ी मछली देखी है, और इस तरह की मतलब फैंसी मैंने आज तक इतनी काफ़ी इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। तो इसका भाई से पूछना है कि इसकी प्राइस क्या है, उसका नाम क्या है, उसके सारी इन्फॉर्मेशन पैसे मिले। तो भाई इसका नाम क्या है? सर बेसिकली इसका नाम है ज्वाइंट ग्रामी, ये भी मीट फैमिली से है, ठीक है, और इसकी प्राइस जो है ये 6000 का पीस है। 6000 का पीस है जी सर। और इस ये कौन सी फैमिली से है? ये मीट फैमिली से गोश्तखोर, जो अभी आपने ऑस्कर देखा उसके साथ ही एडजस्ट करेगी। ठीक है, और ये इसका साइज फुल साइज है? ये अभी इसमें कम साइज है, इसका मजीद साइज बढ़ेगा, ये मैक्सिमम 1.5 फुट तक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मैंने एक बात पूछनी थी कि फिशीज की एज क्या हो सकती है मैक्सिमम? हर मछली की अलग है, किसी की 3 से 4 साल है, किसी की 25 साल है, किसी की 35 साल है, किसी की 45 साल है, इसी तरह डिफरेंट है, मतलब मछलियों में भी साइज़ वाइज के हिसाब से फ़र्क है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये ब्रीडिंग किस सीज़न में करती हैं और कितनी एज में जाकर? सर जो छोटी मछली है वो तो हर 3 माह बाद ब्रीडिंग करती है, ठीक है, जो बड़ी है उसमें 6 महीने का बाद, ठीक है, इस तरह के गैप होते हैं, फिर जो मछली अंडे देती है उसमें से अंडों में से 72 घंटे बाद जाके बच्चे निकलते हैं, पर उनको अलहदा करना पड़ता है, बच्चों को अगर आप अलहदा नहीं करेंगे तो वो मछलियाँ आपकी जो भी है वो खा जाएगी। देखते हैं ये भाई कहते हैं काफ़ी यूनिक है। अच्छा भाई बताएंगे कि ये कौन सी फिश है? ये सर पैरेट फिश है, इसको लव पैरेट भी कहते हैं, ठीक है, ये बेसिकली मीट फैमिली में बिलोंग करते हैं, और जो नीचे वाली है वो शार्क है, वो गोश्तखोर है, वो बाकियों के साथ नहीं रह सकती, ये इनके साथ ही सिर्फ चलती है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसका शार्क का साइज़ बड़ा होगा? जी सर बिल्कुल बड़ा होगा, इसका मैक्सिमम साइज़ 4 फुट तक बड़ा होगा। वो जो बड़ी वाली शार्क्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? बड़ी वाली शार्क्स जो है उसमें डिफरेंट नस्ल की होती हैं, फिलहाल तो ये शार्क जो है ये इसको नाजा शार्क कहते हैं, जो पहले वाली आपको ब्लैक शार्क दिखाई थी उसका नाम था ब्लू लाइन शार्क। ठीक हो गया। अच्छा उसके अलावा अब हम फिशेज की बात कर लिए तो थोड़ा सा एक्वेरियम की बात कर रहे थे, ये एक्वेरियम इसका साइज़ क्या है और इसकी प्राइस क्या है? सर इसका जो साइज़ है ये आपको तकरीबन इस तरह ये 1.5 फुट की कह लें और 1 फुट इसकी हाइट है और 8 इंच चौड़ा है, ठीक है, इसकी प्राइस जो है ये आपको 5500 का मिलेगा विद पंप और ये डेकोरेट के साथ। ठीक है, और ये फाइनल है? सर थोड़ी बहुत कमी हो भी जाएगी। ये ब्लू वाला जो है ये वाला आपको 15000 का मिलेगा, ठीक है, ये वाला जो है ये आपको 20000 का मिलेगा। ठीक है, और ये इम्पोर्टेड एक्वेरियम? जी सर ये इम्पोर्टेड है, इस पर ये जो बैंड है ना ये इसमें जोड़ नहीं लगा हुआ, इसकी बैक साइड पे जो है इसका जोड़ है, आगे फ्रंट पे कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, जो कि इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। जी जी, जो इसकी खूबसूरती बढ़ाता है और इसकी महंगी होने की खास वजह है। अच्छा इसके अलावा एसेसरीज की अगर हम बात करें तो आपके पास ये एसेसरीज पड़ी हैं, ये टाइटैनिक में देख रहा हूँ। ये सर शिप है, ये डिक्योर क्या है, ये आपने एक्वेरियम के अंदर लगा सकते हैं, ये बड़ा शिप है, इसमें आप अगर आप बड़ा एक्वेरियम है आपके पास घर में तो उसमें ये बड़ा लग जाएगा, ठीक है, अगर छोटा एक्वेरियम है तो उसमें वो छोटे वाला शिप लगेगा, बाकी इसमें ये प्लांट वगैरह भी हैं, मतलब डेकोरेट में जो मर्जी आप चीज़ लगा सकते हैं ऊपर से, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इसकी प्राइस क्या है? सर इनमें मुख्तलिफ प्राइजेज आती हैं, ठीक है, किसी ये बड़े वाला शिप का जो प्राइस है वो आपको मिलेगा फाइबर का बना हुआ 7000 का मिल जाएगा, छोटे वाला जो है वो आपको 2500 का मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा तो यार भाई से पूछते हैं कि इनका जो फूड है, जो बेहतरीन फूड है वो कौन सा है और उसकी प्राइस क्या है?
ये आप जैसे देख सकते हैं कि ये भाई ने भी खाया है कि ये फूड है। अच्छा भाई जान, इसकी प्राइस? सर इनकी प्राइस जो है, इसमें प्राइस डिफरेंट है, ठीक है, ये रेट चेंज होते रहते हैं, वो तो आप आएंगे तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं, कम से कम भी 250 से रेट स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और तकरीबन 1500 प्लस भी जाते हैं, ठीक है, है। ये मछली के जो है साइज़ बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये मछली के कलर मजीद ब्राइट करने के लिए होता है, आप कह लेंगे कलर इन्हांसिंग के लिए डाइट है, ये आप समझ लेंगे दोनों का, इन दो जो फूड है ना, इन दोनों का एक ही काम करेगा, हाँ, टू इन वन है, ठीक हो गया। इसे पंप पर आप पूछेंगे कि बेहतरीन पंप कौन से हैं और इनका थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये यूज़ किस तरह से किए जाते हैं। सर ये बेसिकली जो पंप्स हैं, ये वाले एयर वाला पंप है, ठीक है, ये पानी के अंदर ऑक्सीजन बनाने के लिए, ये पानी के बाहर की साइड पे लगता है, ठीक है, इसके साथ एयर पाइप जो होता है वो लगा दिया जाता है, यहाँ पे एयर पाइप लगता है, फिर इस तरह का जो फिल्टर होता है ना वो साथ मिलता है, वो आप पानी के अंदर लगा देंगे, बजरी के ऊपर, बजरी के नीचे लग जाएगा, ठीक है, जब आप पानी डालेंगे ना तो ये चलना शुरू हो जाएगा, ये गंद वगैरह को नीचे जाके बैठाएगा, बाकी आपका पानी साफ रखेगा। और जो ये है दूसरे वाला, ये वाला फिल्टर है, ये पानी के अंदर लगता है, ये पावर फिल्टर भी बेसिकली इसको बोलते हैं, ठीक है, ये पानी के अंदर लगता है, एक साइड पे लगता है, एक कोने में, और ये जो है ये पूरा पानी के अंदर डिप होके चलता है, ये अपने अंदर गन वगैरह को खींचता रहता है, इसके अंदर स्पंज होता है, उसको आप एक हफ्ते बाद निकालें, जहाँ पर आप एक महीने बाद पानी चेंज कर रहे हैं उससे आप 2 या 3 महीने बाद पानी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताएं, आपने कहा 2 से 3 महीने बाद पानी चेंज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम अगर आप ये सब चीज़ें लगी हो, और वो कौन कौन सी हैं जिनके बाद मैक्सिमम ज़्यादा देर तक पानी को हम चेंज नहीं करेंगे? सर ये दोनों चीज़ें ही हैं फिलहाल तो, ठीक है, ये पंप है, ये ऑक्सीजन बनाएगा, ये फिल्टर है, ये पानी को रिसाइकलिंग करता है, ठीक है, अगर हफ्ते बाद आप निकाल के वॉश करते रहेंगे तो आपका पानी 2 महीने आराम से ईजी चल जाएगा जी। सो थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमें अपना इतनी टाइम दिया। कोई बात नहीं सर, ओके जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।